हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। एक तो ये कि सर सब लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमारा टर्म वन अगर खराब हो गया तो क्या टर्म टू में कैसे करें, क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, टर्म वन जैसा हुआ है ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ का खराब भी हुआ होगा। अब जैसा हो गया टर्म टू पे फोकस करिए। हो सकता है टर्म वन में आपको बेनिफिट्स देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि कल संसद में बात उठाएगी कि क्लास 12 का पेपर बहुत हार्ड आ गया, ये सब बात उठाएगी। तो सीबीएसई को सोचना पड़ेगा कि यार कैसे इस चीज़ को एडजस्ट करना है टर्म वन को। तो कहेंगे सीबीएसई इसमें काम जरूर करेगी, आप इसकी टेंशन मत लें, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। आप टर्म टू पे फोकस करना, साथ के साथ रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जो है वो आप ये समझ लो कि रिजल्ट आपका 15 दिन बाद आ जाएगा, जनवरी की फर्स्ट वीक में आ जाएगा, वो इससे पहले। एक और चीज़ है कि साइंस का दोबारा पेपर होगा। तो दोबारा पेपर के लिए ना तो संसद में कहीं बात हुई है, ना ज़्यादा न्यूज में आ रहा है। तो साइंस का दोबारा पेपर तो नहीं होगा। हाँ, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो आंसर की में रॉन्ग हुआ है, उसके बेनिफिट्स बच्चों को जरूर मिलेंगे ठीक है। बाकी कोई भी जैसी अपडेट आएगी मैं सबसे पहले करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।